हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्माकेशन। आज से रमज़ान स्टार्ट हैं, तो आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की। कल हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की डिजीज़ सारी कवर करा चुके हैं, तो उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, तो उसकी डेफिनेशन और जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अमाइन एंड कार्बोक्सिलाइड फंक्शनल ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं क्या? अमाइन एंड कार्बोक्सिलाइड ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, अलॉन्ग विद ए साइड चेन स्पेसिफिक टू ईच अमीनो एसिड्स, और अलॉन्ग विद ए साइड चेन जो स्पेसिफिक होती है हर एक अमीनो एसिड के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है, या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, और ए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ ए कार्बोक्साइल कार्बोक्साइल एंड एन अमीनो NH2 ग्रुप, या फिर क्या, एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करता है दोनों ग्रुप, नंबर एक है कार्बोक्साइल एंड नंबर दो है NH2 ग्रुप, तो वो कहलाते हैं अमीनो एसिड्स। तो ये डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड्स का। इसका जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज कार्बोक्साइल ग्रुप और ये है H2N, H2N यानी कि अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, तो अमीनो एसिड मेटाबॉल में नंबर फर्स्ट रिएक्शन है डिमाइनेशन, डिमाइनेशन जिसकी हम आज बात करेंगे, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नंबर है ट्रांस एमिनेशन, नंबर थर्ड है डी कार्बोक्सीलेशन, और नंबर फोर्थ भी हम यूरिया साइकिल इसी में लिख सकते हैं, हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको अलग से ही टॉपिक कवर कराऊंगी यूरिया साइकिल, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं लिखा है। अब डीएमाइनेशन में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डीएमाइनेशन होता क्या है, तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन एटम ऑफ अमीनो एसिड्स इज रिमूव्ड एज फ्री NH3। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें एन एटम जो होता है, एन एटम वो रिमूव आउट होता हो जाता है अमीनो एसिड से एज फ्री NH3 के फॉर्म में, तो वो होता है डीएमाइनेशन। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है ऑक्सीडेटिव और नंबर सेकंड है नॉन ऑक्सीडेटिव। दो टाइप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव, नंबर टू है नॉन ऑक्सीडेटिव। अब हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। इसमें क्या है, कहाँ पे होता है, साइट क्या है, कहाँ परफॉर्म होता है, साइट है लीवर एंड किडनी साइट। कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। एंजाइम डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस एंड एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस, एंजाइम इसमें ये होगा। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक कैटलिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं रिएक्शन के, रिएक्शन को परफॉर्म कराने, लेकिन खुद सिर्फ या तो उसका एसिलरेट करेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन एसिलरेट करते हैं, उसमें अपनी कोई भी भूमिका वो नहीं निभाते हैं, अपना कोई भी पार्ट प्ले वो नहीं करते हैं, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज सॉरी एंजाइम्स। तो कोई भी रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रही है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम में, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसमें एज ए कैटलिस्ट एंजाइम परफॉर्म करते हैं, और एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन के कारण ही हमको प्रोडक्ट या सब्सट्रेक्ट या इनहिबिशन हमको उस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन का मिल पाता है, तो दैट इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। अब इसमें एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है अगर आप लिखना चाहें कॉपी में तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। इसमें है इवन तो डी अमीनो एसिड्स आर नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस ह्यूमन बॉडी, देयर कंसंट्रेशन इज हायर देन एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस इन द बॉडी। इवन दो जो डी अमीनो एसिड्स होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन हायर और हाई होती है किस कंपेरिजन में, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस के प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट नहीं होते हैं ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन किसके कंपेरिजन में, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस के कंपेरिजन में। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस आर फ्लेवो प्रोटीन्स, और एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज क्या होते हैं, फ्लेवो प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था
ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का। अब हम आगे बात करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सर्टेन अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक एंजाइम की ही प्रेजेंस में क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिवली डीअमीनेटेड होते हैं। तो वो जो सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की कैटेगरी में आती हैं। अब ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की रिएक्शन को दो स्टेप में डिवाइड किया है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेट होता है किससे, फ्लेवो प्रोटीन से, ऑफ किस, फ्लेवो प्रोटीन किसका, एल अमीनो ऑक्सीडेज। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है सो दैट वो डिकम्पोज कर पाए कीटो एसिड को, और जो एन मॉलिक्यूल है वो NH3 की फॉर्म में रिलीज आउट हो पाए। तो ये दो स्टेप हैं हमारे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन के। हेयर इज द रिएक्शन जिसमें हम अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्फा अमीनो एसिड ऑक्सीडेज फॉर्म हो रहा है एल्फा अमीनो एसिड, और फर्दर वो H2O मॉलिक्यूल ऐड होकर द NH3 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होकर हमको एल्फा कीटो एसिड मिल रहा है। अब है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में सरीन जो है उसकी रिएक्शन हो रही है और फॉर्म हो रहा है वो एल्फा अमीन एसिड में, और लास्ट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है पायरूबिक एसिड। तो ये दोनों ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन थी, तथा एल्फा अमीनो एसिड इसमें एल्फा अमीनो एसिड ऑक्सीडेज पार्ट प्ले कर रहा है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में। तो ये दोनों जो थी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डीअमीनेशन की दो रिएक्शंस हैं। ये डीअमीनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक बटन हिट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर।